गुरु ग्रंथ साहब की जी शमूलियत गुरु अर्जन देव जी ने की है तो वह सारी सेहत दुनिया में जाती है सो उस बरकरार रखने वास्ते ये गदारा के नाल सानू जद भी लड़ना पाया अज भी लड़ना पेगा। सो सरकार नूं बेनती भी है निवेदन भी है जल्दी तो जल्दी इन महंतों तो गुरु घर का प्रबंध संगत नूं दे दिता जाए। सरकार नूं ज्ञापन सौंपिया है कि जेड़ा प्रबंध है सिख कौम नूं दिता जाए संगत नूं दिता जाए जल्दी तो जल्दी इलैक्शन कराया जाए यही साडी मुख डिमांड है। ये जेड़ा सरकार का प्रबंधा दे विच दखल अंदाजी है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। संगत हर जिले के जाके ज्ञापन देना है करनाल मीटिंग हुई सी पहली हूँ अज दूजी मीटिंग सरसे के हूँ तीसरी मीटिंग कैथल के तीन तरीक न होनी है उस तो बाद सारे जिले के इस तरह ही प्रोटेस्ट करके सरकार को जगाने की कोशिश है बेनती करने की कोशिश है नहीं तो फिर सब तो बाद लास्ट के नाढ़ा साहब इकट्ठे होकर पंचकूला सी जाना है बाद के सारे जिले के प्रोग्राम करके। सो सरकार को बेनती भी है निवेदन भी है जल्दी तो जल्दी इन महंतों तो गुरु घर का प्रबंध संगत को दे दिया जाए इलैक्शन के राही जल्दी तो जल्दी सरकार इलैक्शन करावे नहीं तो फिर यह जी गल है महंतों के प्रबंध वाली ये बिल्कुल बर्दाश्त तो बाहर की गल है जिहड़े इन्हां दे अहुदेदार बनाए हुए ने और किस तरह के अपशब्द मीटिंगां दे विच गुरमर्यादा भंग करते हैं ये मर्यादा कदे भी भंग नहीं कर दी जाएगी कौम एकजुट होकर यह लड़ाई लड़े लड़ती रहेगी। डरे हुए लोग ने सारा दिन टेलीफोन से दूजे बोलते हैं जब अपने बारी सुनने की गल आती है फिर तकलीफ होती है बहुत इन्होंने कौम को बेचने की कोशिश की है अज जग जाहिर होया है कदे दादूवाल के पैरों के कदे किसी के पैरों के कदे कांग्रेस के पैरों के हमेशा ही मौका प्रस्त लोग ने यह आर एस एस के पढ़े हुए लोग ने यह सिख कौम को अक्स बिगाड़ना चाहते हैं भी सिख यहे हाँ लेकिन सिखा का जोड़ा अक्स है वह इस तरह का है जिमें अंदोलन के चाहे फ्लडा के उन्होंने किनिया सेवा की हम गुरु घर के लंगर के उत्ते काबज होना चाहते हैं सब तो पहला बयान सी महंत का करमजीत का भी इन गुरु घर का लंगर किसान अंदोलन के उत्थे करोड़ों रुपये खर्च किया गया है फिर तुम देख सकते हो जब इन्होंने हाथ में प्रबंध आया सरपंचा ने उत्थे एजीटेशन कर पंचकूला के उत्थे इन्होंने लंगर वास्ते जवाब दे दिया गया है इस तरह करके ये गुरु घर के प्रबंध को बंद करना चाहते हैं जिड़ी उत्थों सेध मिलती है सब मानसिकी जा सब एक पहचान वाली ये उन्होंने खत्म करना चाहते हैं लेकिन यह मुद्दतों तो हजार सैकड़ा सालों तो इन्हों की कोशिश रही आ मनुवादी लोगों की लेकिन असं एकजुट होकर गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा अगे लेके जाना है ये साडा गुरु घर का धर्म का मसला है असी किसानी तो साडा कर्म है सिख साडा धर्म है जिथे गुरु साहबाना की कृपा सदका असी किसान अंदोलन जितया है और गुरु नानक देव जी की सेध अनुसार असी लंगर ला के उत्थे बैठ रहे सारे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के सिख ने उस शमूलियत की है। सिख धर्म के राजनीति पार्टियां दखल अंदाजी के कारण सिख दो फाड़ हो रहा की कहोगे सिख कदे भी दो फाड़ नहीं सिख के जिहड़े अपने गदार लोग ने जिहड़े अपनी कौम के रह के गदारी करते ने एक डोगरे लोग ने ये सिखां दे विच दादूवाल वर्गे करमजीत महंत वर्गे तमीजा तुहानू पता ही है आर एस एस का किड्डा बड़ा अहुदेदार है उन्हूं हरियाणा सरकार ने पहला उत्थे अपना लोगड़ साहब लाया होया सी उत्थे भी उन्होंने जिहड़ा गुरु इतिहास सिख इतिहास है उन्हूं बिगाड़न की कोशिश करी है उस पिछे भी लड़ाई चल रही है। ये सारे आर एस एस के लोग जिहड़ी साडी सिखी विचारधारा है जिहड़ी कहिंदी है जात पात तों उपर उठण वास्ते सानूं संदेश दिंदी है जिहड़ी औरत जात नूं बहुत मानता मानता दिंदी है ये जा अगे अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे उसनों इन्हों का जिहड़ा जात पात का पाड़ा पाड़न की कोशिश करते उन्हूं खत्म करती है जिहड़ी साडी भैणां है जिहड़ी मातावां नूं बहुत उंचा दर्जा दिंदी है जित जमै रजन सो के मंदा आखी है जित जमै रजन उसनों तोड़ना चाहते मनुवादी लोग ने यह दलित अपना जिहड़ी औरत नूं दबाण की कोशिश करते हैं तो एक जिहड़ी अपने आप को सवर्ण कह के होर लोगों का शोषण करना चाहते हैं लेकिन गुरु नानक देव जी ने जिथे इन तोड़न की कोशिश की है पूरा गुरबाणी के सारिया जातियां का सारे धर्मों के लोगों की गुरबाणी दर्ज करके गुरु ग्रंथ साहब की जी शमूलियत गुरु अर्जन देव जी ने की है तो वह सारी सेहत दुनिया में जाती है सो उस बरकरार रखने वास्ते ये गदारा के नाल सानू जद भी लड़ना पाया अज भी लड़ना पेगा।